हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? शशि थरूर की फोटो पर क्या मजे ले रहे हैं लोग। पैराग्लाइडिंग का लैंड करा दे टाइप एक वीडियो फिर वायरल। सफाई करके मजे ला देने वाले चैनल की बात करेंगे पिक ऑफ द डे में। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, खास सूचना, 17 से 19 दिसंबर के बीच होने वाला है कुछ खास। और क्या होगा? बड़ी खास जगह पे जो कुछ भी होगा वो होगा इंदौर में होने वाला है एक भव्य आयोजन। लिट चौक नाम है इसका। साहित्य, कला, पत्रकारिता, राजनीति, खेल, उद्योग जगत के बड़े नाम आएंगे एक साथ और होंगे रूबरू उन लोगों से जिनसे मिलकर बनता है हिंदुस्तान। इसके अलावा देश के नामी गिरामी कलाकारों द्वारा हर शाम सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी। तो स्वागत है आपका इंदौर में। मतलब आप इंदौर पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं इस सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक में। आपका वहां पे स्वागत रहेगा। और ये होगा कहां पे? सब कुछ बता दिया, ये तो बताया नहीं कि ये होगा कहां पे। और ये होगा यशवंत क्लब इंदौर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सूचना के बाद, बात करते हैं शो की और बात करते हैं कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चलता रहा। शुरुआत एक अच्छे से वीडियो से करते हैं, मन प्रसन्न कर देगा ये वीडियो। निर्भय JNU नाम के यूजर ने ये वीडियो ट्विटर पर डालते हुए लिखा, अद्वितीय बनारस, बनारस में गंगा की गोद में नाविक द्वारा अद्भुत संगीत की प्रस्तुति, आनंद आनंद। सुनिए क्या अद्भुत गाया है। मोरे पिया के अगनवा में जिया मोरला, गोरे सैया के अगनवा में, ए बिन पिया बिन मोहे निधियो नाए रे, बिन पिया बिन सरगारेगा गरगारेगा रेगा गरगारेगा पिया के अंगनवा में जिया मोरला, गोरे सैया के अंगनवा में, सैया मोरे नीर मोही बस पार देश। हीरो बनना बहुत सही बात होती है, हर किसी को अपने जीवन में हीरो होना चाहिए। मतलब हर किसी को अपने जीवन में हीरो चाहिए भी होता है, लेकिन वैसा हीरो किसी को नहीं होना चाहिए जो सड़क पर लहरिया कट मारते हुए, जुल्फे उड़ाते हुए एकदम चिकचौकर बन के घूमे, उनके रील्स बनते हैं, दूसरों के लिए वो संकट बनते हैं। ऐसे ही एक ट्वीट दिखा जिसमें एक भाई साहब कानपुर में बाइक उड़ा रहे थे, एकदम शाहरुख खान बने थे, वो भी नहीं बुलेट राजा बने थे, आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी टाइप से। वीडियो देखिए पहले तो। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो देखा तो मामला ठंडा कर दिया। खबरें आई कि कल्याणपुर मसवानपुर निवासी खालिद अहमद हैं ये, इनको यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 9,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा। ट्विटर पर चलता दिखा एक शब्द, हमने कहा है अब ये काहे ट्रेंड हो रहा था। ट्रेंड क्या हो रहा था? ब्लूटूथ। आखिरी बार ब्लूटूथ का इस्तेमाल आपने कब किया था? कुमार विश्वास का वो कोई दीवाना कहता है वाला 3GP वीडियो लेने के लिए इस्तेमाल किया होगा, या फिर वो एम्प्टीनेस का तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना वाला गाना शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल आपने किया होगा। इस गाने के साथ वो तमाम अफवाहें भी शेयर होती थी कि रोहन राठौर का नाम का एक लड़का था, IIT गुवाहाटी में पढ़ता था, उसको टर्मिनल कैंसर हो गया, मरने के पहले उसने ये एम्प्टीनेस वाला गाना गाया था। ये अपने समय की गप थी। अभी ब्लूटूथ जो ये शब्द था वो अलग गप के कारण चल रहा था, मतलब अलग बातों के कारण चल रहा था। ये ब्लूटूथ हेडफोन्स की बात है। दरअसल कमला हैरिस की तस्वीरें वायरल हैं जिनमें वो तार वाले हेडफोन या ईयरफोन इस्तेमाल करती दिखती हैं। कहा जा रहा है कि वो मानती हैं कि ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, इसलिए तार वाली ईयरफोन इस्तेमाल करती हैं। मानने की वजह भी है, नवंबर का उनका जो वीडियो आपको याद होगा कि जीतने के बाद वो जो कह रही थी वी डिड इट, जो वो कह रही थी ना, तो उनमें भी उनके हाथ में जिंदगी के सवालों की तरह उलझा हुआ तार वाला ईयरफोन था। एक बार वो वीडियो देखिए आपको याद आ जाएगा। You're going to be the next president of the United States. अब लोग तमाम ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं, खबरें छप रही हैं एकदम वहाँ वेबसाइटों में, कुछ इसे ब्लूटूथ फोबिया कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बताओ अगर VP नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर भी रही हैं तो लोगों को दिक्कत क्या है। एक बंदे ने तो ओबामा की फोटो लगा के बड़ी सही बात कही कि बताओ कमला हैरिस से ब्लूटूथ पर सवाल उठ रहे हैं, मतलब वो ब्लूटूथ नहीं यूज करना चाहती इस पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि खुद
वैक्सीन नहीं लगवाते काहे के लोगों को लगता है कि उन पर 5G की टेस्टिंग हो रही है। यहाँ भी कई लोगों को लगता था। ट्रंप के सपोर्टर्स भी कमला हैरिस का मजाक उड़ा रहे थे। उनका मजाक उड़ाया गया खबर के स्क्रीनशॉट लगा कि ट्रंप ने रशियंस से ओवल ऑफिस मीटिंग में इंटेलिजेंस सीक्रेट शेयर किए थे। कहा गया इससे दिक्कत नहीं है तुम्हें, मैं तो कहता हूँ नेता लोग ईयरफोन या ब्लूटूथ वाला ईयरफोन यूज करें या ना करें, दिक्कत वहाँ है ही नहीं। दिक्कत तब है जब आम आदमी की आवाज़ ना सुने कान से। वैसे सिक्योरिटी से याद आया, जिन देशों के पास पेगासस है वो तो आम आदमी की आवाज़ सुन भी लेते होंगे, आम आदमी को ही नहीं पता चलता। देश में बहसों को बंद कराने की जो निंजा टेक्निक ये चली कि वहाँ जवान ये कर रहा है, तुम यहाँ ये मांग रहे हो, ऐसी बातें कह दी जाती थी। लेकिन जवानों की स्थिति असल में कैसी है, वो एक रात जवानों के बीच रुक के फोटो ऑफ कराने वाले मंत्री जी लोग, सॉरी जवानों का मनोबल बढ़ाने वाले मंत्री जी लोग नहीं जान पाते। छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक CAF जवान का वीडियो आया, इनका नाम क्या है, बोटू सांडे इनका नाम बताया जा रहा है। वीडियो में नज़र क्या आ रहा है कि तरी के नाम पे उनको खाने के लिए जो दिया जा रहा था वो इतना तर था कि H2O और NaCl अलग करने में कोई रासायनिक क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा खाना था जिसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, पंतुल्ला। माने इस ग्रेवी से ज़्यादा गाढ़े तो आंसू होते हैं। दाल ऐसी थी कि जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, काहे के बिना मेहनत के इतनी बुरी दाल तो आम इंसान बना ही नहीं सकता। अब तमाम बातें कही जा रही हैं कि वो जेल में तैनात थे, उनके बेस कैंप में ऐसा ही खाना बनता है। खैर वीडियो जब वायरल हुआ तो कांकेर कलेक्टर SP संज्ञान ले रहे हैं, DGP ने भी वहाँ जाँच के आदेश दिए हैं। वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं, सुनिए ये क्या कह रहे हैं। उसके तरीके को देखो, ये पानी ऐसे बनता है इस कंपनी का खाना, ऐसे उसके घर में खाते हैं क्या मेस कमांडर, या उसको खिलाते हैं अपने घर में ऐसे खाना खाते हैं क्या, बताओ ऐसे खाना बन रहा है। लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ कि सर ऐसे नहीं बनता, जिसके घर में खाना खाते वैसे खिलाओ, लेकिन ये देखो ऐसे खाना बना रहा है, इसमें कुछ है बता दो, इसमें गर्म पानी सुबह कुछ नहीं है, बताओ ये ले कलर डाल दिए हैं, पानी लेके आ गए हैं, तीन पीस कर दिए हैं, जानवर है क्या है? देश सेवा कर रहे हैं, देश सेवा के लिए हम लोग को यहाँ सब मिली भगत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको राजकुमार और पत्रलेखा की शादी के टाइम के वो वायरल वीडियोज और वो तस्वीरें याद होंगी जिनमें पत्रलेखा राजकुमार की मांग में सिंदूर भरने का उपक्रम कर रही थी। वायरल चीज़ अन्य जगहों पर भी नजर आ रही है। शालिनी सेन और अंकन मजूमदार की शादी थी कोलकाता में, वहाँ यही चीज़ दोहराई गई और अब सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल है। शशि थरूर की सोशल मीडिया पर अलग ही फॉलोइंग है। उनका तो ऐसा सीन है कि अपनी फोटोज़ के कारण अक्सर सोशल मीडिया पे फंस जाते हैं, ट्रोल हो जाते हैं। अभी उनने महिला सांसदों की फोटोज़ डाली तो लोग उनको सेक्सिस्ट बताने लगे थे। एक टाइम पे पूजा के टाइम की फ़ोटो डाली थी, नारियल पटक रहे थे, तो नारियल पटकने का जो उनका तरीका था वो भी वायरल हो गया। अब उनकी एक और फोटो वायरल है, किसी की शादी में गए थे, फोटो डाली तो लोगों ने मौज ले ली। कहा कि शशि थरूर दूल्हे से ज़्यादा सजे धजे लोगों को लग रहे थे। लोग बोले कि पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके पहुँचते ही दूल्हा खुद बाराती लगने लगे। कोई बोला कि इससे शिक्षा क्या मिलती है कि नेवर इनवाइटेड शशि थरूर जी ऑन योर स्पेशल डे। कुछ लोग दूल्हे की दशा दिखाने लगे कि वो कैसे रो रहा होगा। कुछ लोगों ने इस तरह के जोक्स को चीप भी कहा। कि आपको भी ऐसे जोक्स चीप लगते हैं कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और कोई बोला कि दूसरे शब्दों में इनको अपनी शादी में गलती से भी मत बुलाना वरना शादी बेगानी लगने लगेगी और तुम अब्दुल्ला। विपिन साहू का वीडियो आपको याद ही होगा, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा वाला वीडियो, वो 100-200 रुपए दे दे ले ले लैंड करा ले वो वाला वीडियो, जिसने उस बंदे को जितना ट्रोल कराया था उससे ज़्यादा उसका नाम करा दिया। ऐसे ही इस बार एक वीडियो फिर वायरल है, फेसबुक पे काफ़ी चल रहा है, हिमाचल का बताया जा रहा है। इस बार महिला हैं जो कि पैराग्लाइडिंग कर रही हैं और डर के मारे चिल्ला रही हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन वीडियो में डर के मारे कही गई बातें अब वायरल हैं। ठीक है बस अभी देखो मैं हूँ साथ में, प्लीज मुझे उतार दो। ठीक है मैं, मम्मी प्लीज मुझे उतार दो, मुझसे नहीं होगा। अभी लैंडिंग के लिए जाएंगे। मम्मी प्लीज भैया मुझे उतार दो, बात तो करो मेरे साथ। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे होटल लगता है ऊंचाई से, प्लीज। आप मत देखो, आप मत देखो मम्मी।
सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक चैनल। यहाँ होता क्या है, सफाई होती है, डिप्रेशन में डूबे लोगों की मदद की जाती है। चैनल का नाम है और कैटरीना, स्पेल कर देते हैं, जो कुछ भी होगा आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, AURIKATARIINA। टिकटॉक पर अपने सफाई के वीडियोज के लिए काफी वायरल हुई उन्हीं का ये चैनल है। जो लोग सालों साल से अपना घर साफ नहीं कर पाते, उनके घर ये मुफ्त में साफ कर देती हैं, अपने फॉलोअर्स घर मुफ्त में साफ कर देती हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसे JCB से नाली साफ होते देखने में भी बड़ा मजा आता है, और किसी बुरी चीज की, बुरे घर की, जिसकी दुर्गति हो रखी हो उसको साफ होते देखना, किसी कालीन में खूब गंदगी लगी हो उसको ऐसे जल्दी जल्दी वो क्या होता है, टाइम लैप्स वाला वीडियो होता है, वो करके एकदम चमका दिया जाता है, ऐसे वीडियो बहुत देखने में मजा आता है हमको। तो वैसे ही ये घर साफ करती हैं, मजे के वीडियोज होते हैं इनके, आपको भी अगर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो आप भी देख सकते हैं, काफ़ी रिलैक्स फील होता है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हम चले, टाटा।